स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिक पोल से आपके घरों में वायर आती है, ब्लैक कलर की वो वायर होती है, वो ब्लैक कलर का इंसुलेटिंग कवर होता है। एक्चुअल में उस वायर के अंदर दो वायर और होंगी, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। एक होगी रेड कलर की वायर, रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। जो रेड कलर की वायर होती है उसको बोलते हैं लाइव वायर, और जो ब्लैक कलर की होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो उसमें दो वायर होती है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल। जो न्यूट्रल वायर होती है वो जीरो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है, और जो लाइव वायर होती है वो 220 वोल्ट पोटेंशियल पे होती है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपका काउंट करें तो बनता है 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 220 वोल्ट। उसके बाद जैसे वो वायर आएगी तो वो वायर आपकी जाती है एक मीटर के अंदर, मीटर में जाएगी, ये मीटर में वायर है, तो मीटर के अंदर ये वायर जाती है, ठीक है। तो मीटर जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो किलोवाट आवर में मेजर करता है। तो मीटर जो आपको यूनिट बताता है केडब्ल्यूएच किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेजर करता है। उसके बाद मीटर से ये वायर जाती है हमारे पास मेन स्विच, जहां हमारा मेन स्विच लगा होता है, या मेन स्विच, और यहीं पे आप एक मेन फ्यूज लगा देते हैं। वो जो फ्यूज होता है, फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। फ्यूज, फ्यूज में होती है तीन प्लेटेड कॉपर वायर, तीन प्लेटेड कॉपर वायर। टिन जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। तो जैसे अगर करंट नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, और हीट से टिन मेल्ट हो जाएगा और वहीं पे कनेक्शन ब्रेकअप हो जाएगा। तो यही मेन स्विच के अंदर आपका मेन फ्यूज भी होता है, तो आप वो मेन फ्यूज को हम लगाते हैं लाइव वायर के अंदर। तो आप इस मेन स्विच के साथ चाहे यहां दिखा सकते हैं मेन फ्यूज, तो मेन फ्यूज लाइव वायर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये मेन फ्यूज है, मेन फ्यूज आप लाइव वायर में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि लाइव वायर पर पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। तो हाई पोटेंशियल पे जब ये होगा ओवर वोल्टेज होगी, तो यहां वोल्टेज मान लो 440 होगी, तो ज्यादा करंट जाएगा, जिससे जो है ये वायर गर्म हो जाएगी। गर्म करते ही ये टिन की जो लेयर है ये मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करते ही कनेक्शन ब्रेकअप हो जाएगा, आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके बाद मेन स्विच से अगर कोई भी हमारा फॉल्ट हो जाता है, ओवर वोल्टेज आती है, तो मेन स्विच को बंद कर दिया जाता है ताकि बाकी अप्लायंस सेफ हो। उसके बाद ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक लाइव वायर से और एक ये न्यूट्रल से, आपने यहां एक बल्ब कनेक्ट कर दी, फिर आगे ले जाइए एक लाइव वायर से एक न्यूट्रल वायर से आपने यहां फैन कनेक्ट कर दिया। तो ये अब कुछ ये तो हो गया हमारे पास टू टर्मिनल, जिसमें आपके पास स्विच में दो टर्मिनल होते हैं, एक 220 वोल्ट का एक 0 वोल्ट। कुछ अप्लायंस, और ये अप्लायंस जो है ये लाइट अप्लायंस होते हैं, इनका मैक्सिमम करंट जो होता है 5 एम्पीयर तक ले सकते हैं। तो 5 एम्पीयर रेटिंग के होते हैं, जिसमें टू टर्मिनल होंगे तो वो 5 एम्पीयर रेटिंग करंट ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम करंट जो वो लेंगे वो 5 एम्पीयर का। हमारे घरों में दो तरह के स्विच होते हैं, एक टू टर्मिनल जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक 3 टर्मिनल जिसमें 3 होते हैं। 3 टर्मिनल हैवी अप्लायंस के लिए होता है, जैसे एसी हो गया, या हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वो हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर में जो कनेक्शन होता है वो अर्थ से लिया जाता है। तो आप क्या करते हैं, यहां आप एक अर्थ वायर ले सकते हैं जिसका कनेक्शन अर्थ से होता है।
ये आपके पास अप से कनेक्शन है, ये ग्रीन कलर की वायर होती है, ग्रीन वायर आप लोग, ग्रीन कलर की वायर होती है अप। तो अगर आपके हैवी अप्लायंस होंगे तो हैवी अप्लायंस को आप इस तीसरे टर्मिनल अर्थ वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हैवी अप्लायंस जो है हमारे घरों में, हैवी अप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर इसके थ्री पिन होती है, थ्री पॉइंट होते हैं, एक लाइव वायर होगी 220 वोल्ट पे, एक ब्लैक 0 वोल्ट पे, एक ग्रीन अर्थ। अब अर्थ वायर में क्या करते हैं, इसको अर्थिंग भी बोल देते हैं, अर्थिंग कर दिया। अगर करंट नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, जैसे करंट उसको चाहिए 7 एम्पियर आगे 9 एम्पियर, तो ये क्या करेगी अर्थ वायर, एक्सेस करंट को अर्थ में पास कर देगी, जिससे अगर आप रेफ्रिजरेटर को टच करोगे, हाथ लगाओगे, तो आपको करंट नहीं लगने वाला। तो एक्सेस करंट को ये क्या करती है, अर्थ में पास कर देती है, तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थ वायर क्या करती है, अर्थ वायर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, बायोपासिंग एक्सेस करंट टू अर्थ। तो ये अर्थ में एक्सेस करंट को पास कर देगी, जो नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर रहा है, जिससे जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा, इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो ये आपके पास है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जो हैवी अप्लायंसेस है थ्री पॉइंट वाले, ये घरों में काम करते हैं 15 एम्पियर रेटिंग, 15 एम्पियर रेटिंग, और जो टू टर्मिनल वाले वो काम करते 5 एम्पियर रेटिंग। इसमें तीसरा जो टर्मिनल है वो अर्थ से कनेक्ट होता है एक्सेस करंट को पास करने के लिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म और होती है अर्थिंग, अर्थ वायर जब आप कनेक्ट करते तो उसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग। एक होता है और ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या चीज होती है, ओवरलोडिंग होता है जैसे आपके घरों में एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट पे आपने कई सारे अप्लायंस कनेक्ट कर दिए, आपने इलेक्ट्रिक प्रेस भी चला दी, बल्ब भी चला दिया, कंप्यूटर भी चला दिया, तो कई सारी चीजें जोड़ दी, तो उसकी कैपेसिटी है मान लो 5 या 6 एम्पियर देने की, आप लोग उससे ले लिए 10 एम्पियर, तो ये ओवरलोडिंग हो गई। तो अभी कह सकते हैं मैम Too many appliances connected to single socket and it draw large amount of current. तो वो large amount of current उससे ले लेता है और इसको बोल देते हैं हम overloading। घरों में inverter होता है उसमें भी हम मान लो 2 अप्लायंस चलाने हैं, ज्यादा चलाते तो ओवरलोडिंग हो जाती है, तो ये ओवरलोडिंग। एक और होता है वो होता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है कई बार ये जो इंसुलेटिंग कवर होता है उसके ऊपर रेड या ब्लैक, ये मान लो कट पड़ जाएगा और ये रेड और ब्लैक वायर आपस में टच हो जाए, रेड था 220 वोल्ट, ब्लैक था 0 वोल्ट, आपने टच कर दिया। तो अगर लाइव वायर अटैच हो जाती है विद न्यूट्रल वायर, दोनों अटैच हो गए, इंसुलेटिंग कवर आपका खराब हो गया, उस वजह से यह कट गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, दोनों का अटैच होते एरिया इंक्रीज कर जाए, एरिया इंक्रीज करते ही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, एरिया इंक्रीज करते ही आर डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होते ही करंट ज्यादा होता है, तो
ज्यादा करंट उसमें से जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आग लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग में इस तरह से आग लग जाती है, आपके अप्लायंस डैमेज हो जाते हैं। तो ये आपके पास है शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपने तीन कंसेप्ट पढ़े, ओवरलोडिंग, अर्थिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। फ्यूज आपको मैंने बता दिया, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है जो सेफ्टी डिवाइस होता है, अप्लायंस को डैमेज होने से बचाता है। जैसे मान लो यहां फ्यूज लगा है, अगर करंट, अगर फ्यूज कितनी रेटिंग का होना चाहिए, मान लो आपका अप्लायंस चलता है 6 एम्पीयर पे, तो आप थोड़ा सा ऊपर लगाओगे फ्यूज, यानी 7 एम्पीयर पे लगा देते हैं। तो 6 एम्पीयर पे अगर आपका अप्लायंस चलता है, आपने 7 पे लगा दिया, तो 7 एम्पीयर करंट आते ही ये फ्यूज की वायर मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करते ही सर्किट ब्रेकअप हो जाएगा, अप्लायंस आगे वर्क नहीं करेगा।